हेलो एवरीवन, चारधाम यात्रा के इस एपिसोड में आप देखोगे तपोवन की खूबसूरती, खतरनाक झरने और गोमुख ग्लेशियर से निकलती हुई नदी। तो आइए आगे चलते हैं और सफर की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, 5:25 हैं और मैं इस समय हूँ तपोवन में। 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर और लोग यहाँ पर इन वादियों को देखने के लिए आते हैं। परमिशन नहीं मिलती आसानी से। मेरे सामने है माउंट शिवलिंग, जिसको मैं देखने आया हूँ इतनी दूर से। गंगोत्री से सिर्फ इन्हीं भगवान को देखने आया था। हमारे देश में ऐसी नेचुरल चीज़ आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। सबसे पहले सूर्य भगवान की जो किरण पड़ती है इन माउंट शिवलिंग के ऊपर पड़ती है। बगल में है मेरू पर्वत, यह है मेरू पर्वत और ये जो तीन पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये है भागीरथी 1, भागीरथी 2, भागीरथी 3। ये भागीरथ के तीन पर्वत हैं। ये आपको तपोवन, गंगोत्री तपोवन में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे सूरज की रोशनियाँ पड़ती रहेगी ये इतना खूबसूरत होता जाएगा। 5:25 पे सूरज की किरण यहाँ पड़ी और इतना खूबसूरत मंजर बहुत कम देखने को मिलता है। आसपास मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए लोग यहाँ कैंपिंग वगैरह भी करते हैं और वहाँ भी कैंप्स है, कुछ कैंप्स वहाँ पर भी है। ऐसे ऐसे जो ये बाबा लोग हैं मैं इन लोगों के साथ रुका हूँ। साथ में एक फ्रेंड है जो गुड़गांव से है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और ये हमारी रुकने की जगह थी। बाबा आपका नाम क्या है? स्वामी नरेंद्रानंद। आप कहाँ से हैं? ऋषिकेश से हैं, ऋषिकेश आनंद धाम से हैं। व्यूवर्स, यहाँ पर संतों की टोली आती है, संत यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और यहीं पर कुछ समय स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये तपोभूमि है। यहाँ पर भागीरथ जी ने पूजा मतलब तपस्या की थी माँ गंगा को लाने के लिए। और नीचे है गोमुख, यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर पे के डिस्टेंस पे है गोमुख। और देखिए जैसे जैसे ये सूरज की रोशनी बढ़ रही है और उतना ही खूबसूरत मंजर पहाड़ों में दिखता जा रहा है। एकदम देखिए नेचुरल शिवलिंग। अभी मैं आपको एक जगह लेके जाऊंगा, उधर वहां पर एक शिवलिंग है, मतलब लोगों ने रखा है वहां पे या भगवान की पूजा करने के लिए है। चलते हैं और देखते हैं क्या है वो। एक शिवलिंग है, एक बार हम उसे देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ के जो रास्ते हैं मैंने बताया था टफेस्ट रास्ते हैं, आसान नहीं है। और वो दूर शिवलिंग है जहाँ वो लड़का आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार उनके दर्शन कर आते हैं भगवान शिव के। यहाँ पर जिस कुटिया में हम रुके हैं उसके बगल में एक बाबा जी हैं जो 12 महीने यहीं रहते हैं। आप सोचिए कि जून महीने में इतना टेम्परेचर डाउन है, सुबह हाथ जाम हो रहे हैं, तो लगाइए कि अक्टूबर नवंबर के बाद जब चारधाम बंद हो जाते हैं यहाँ किसी को परमिशन नहीं मिलती है और बहुत ज़्यादा बर्फ हो जाती है तो यहाँ कोई नहीं आ सकता। उस समय बाबा लोग यहीं रहते हैं 12 महीने, गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दे रखी है। रास्ते कैसे हैं देख लो। आ गया हूँ पास में और थोड़े से डिस्टेंस से ही हूँ। तो ये शिवलिंग है, काफी सालों से काफी पुराना शिवलिंग है। यहाँ पर लोग पूजा करते होंगे, जो भी तपस्वी लोग यहाँ पर आते हैं। आज तक ऐसा शिवलिंग मैंने कभी नहीं देखा है। तपोवन में एक रात बिताने के बाद अगले दिन मैंने एक अद्भुत शिवलिंग के दर्शन किए जो दिखने में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत था। ऐसा लगा जैसे कि मुझे भगवान शिव ने यहाँ दर्शन के लिए बुलाया है।
तपोवन का यह खूबसूरत नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ऐसा लगा जैसे कि मैं सच में स्वर्ग में आ गया हूँ। यहाँ की यह खूबसूरत वादियाँ सच में बहुत ही अद्भुत है। तपोवन का यह दृश्य मेरी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत दृश्य होगा, जहाँ से मैं भागीरथ के तीनों पहाड़ों को और मेरु सुमेरु जैसे खूबसूरत पर्वतों को आसानी से देख सकता हूँ। साथ ही मैं माउंट शिवलिंग के भी दर्शन कर सकता हूँ। यह जगह माउंटेन ट्रैकर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत है। दूर दूर से लोग यहाँ माउंटेन ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। दोस्तों, मैं जिस जगह रुका हूँ एक ऐसे आश्रम में, यहाँ पे एक मौनी बाबा है, उनके यहाँ पे रुका था मैं तपोवन में। यहाँ इतनी सेवा है, हर किसी को यहाँ पे रुकने नहीं दिया जाता। लोग कैंपिंग वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन संतों के बीच में उनका जीवन जीना एक अपने में यार एक कला है। मैंने आज से पहले कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा जो मैंने यहाँ पर देखा। उन्होंने अपने हाथों से खाना बनाया, अपने हाथों से खाना परोस के थाली लगाकर हमारे को दिया। बस यहाँ पर एक प्रथा है कि वो जो बर्तन है आपको खुद धोने पड़ेंगे, और ये होना भी चाहिए। झूठे बर्तन हमें खुद ही धोने चाहिए। इनसे बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ। यह है मौनी बाबा का आश्रम और सामने है मौनी बाबा। ये ऐसे संत हैं जो मतलब वीडियोस वगैरह या फोटोज वगैरह से दूर रहते हैं, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम प्रकृति में भगवान में लीन रहने वाले लोग हैं, हम लोगों को आप कृपया करके इस चीज़ में मत लीजिए। तो बस मैं उनके साथ एक फ़ोटो क्लिक करूँगा और आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। और इनका जो प्रेम था कोई मैं व्याख्या नहीं कर सकता। इतना प्रेम, इतना प्यार और इतना आदर, जैसे कि मैं पता नहीं इन्हें कितने सालों से जानता हूँ। थोड़ी देर पहले आपने शिवलिंग देखा था, अब वो शिवलिंग एकदम गायब हो गया है। ये है भगवान का चमत्कार और ये है भगवान का जादू, इसी को नेचर कहते हैं। ये देखो, तो अब यहाँ से प्रस्थान करने का टाइम आ गया है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, 7:16 और हम वापस जा रहे हैं गंगोत्री। यहाँ के रास्ते ऐसे हैं और ये जो सामने नदी सी बह रही है, आगे जाके यही वाटरफॉल बनाती है जो कल मैं यहाँ से क्रॉस करता हुआ जा रहा था। एक जबरदस्त एक्सपीरियंस। एक ये थे मौनी बाबा, बहुत कम बोलते हैं लेकिन प्यार प्रेम बहुत देते हैं जो भी इनके यहाँ पर आता है। ये है नदी, से कैसे पार करना है देखिए। यहाँ को हर एक चीज एक अलग टाइप की मिलेगी। आइए बाबा, ये जो नदी बह रही है यही नदी आगे जाके वाटरफॉल बनाती है। कल इसी वाटरफॉल से हम लोग आए थे। और ये कैंपिंग साइट है, यहाँ कंपनीज के कई कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं। बताना चाहूंगा कि मैं जा रहा हूँ वापस गंगोत्री। जो ट्रैवलर्स हैं उन सभी को बताना चाहूंगा कि ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, तपोभूमि तपोवन है और एक पूजनीय जगह है। यहाँ पे भागीरथ जी ने तपस्या की थी माँ गंगा को लाने के लिए, और माँ गंगा कहाँ प्रकट हुई थी, गोमुख में। तो अभी मैं जा रहा हूँ गोमुख देखने के लिए। ये जो फ्लोइंग वाटर है इसके बारे में मैंने बता दिया, आगे जाके ये वाटरफॉल बनाएगा। और हम बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं, कल जो देखा था जबरदस्त था। पानी की आवाज आपको आ ही रही होगी नेचुरल पानी की आवाज। आगे वो जगह जिसके बारे में बता रहा था थोड़ी देर पहले, अब ये वाटरफॉल बन गया है देखिए, और पानी आ रहा है वहां से। जगह कितनी जबरदस्त है,
मैं आपको बता नहीं सकता, इससे पहले मैं ऐसी जगह पर आया भी नहीं हूँ, बहुत पीछे चल रहा हूँ। ये देखिए बाबा लोग जा रहे हैं, बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा यार। ये है रास्ते जिन पे मेरे को उतरना भी है, चढ़ना जितना मुश्किल था उतरना भी बहुत मुश्किल है। वो कह रहे हैं मुझे कि आराम से आना, बहुत फिसल रहा है। और ये है जाने का रास्ता, ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल। चलते हैं यार आगे, और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। इन खूबसूरत नज़ारों को मैं रिकॉर्ड करता हो जाऊँगा और कोशिश करूँगा जितने भी व्यूवर्स वीडियो देखते हैं उनको दिखाऊँ। दोस्तों ये है गोमुख ग्लेशियर जो लगभग 30 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा है। वापिस एक ऐसा पॉइंट आने वाला है, दूसरा वाटरफॉल जिसे हमें क्रॉस करना है। वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर ये वाटर फ्लो नहीं बड़ा हो तो, मॉर्निंग में बोलते हैं कम बड़ा होता है। कल उसी से डर लग गया था मुझे यार, लेकिन कोई नहीं, रिस्क है तो इश्क है। जब तुम्हें माउंटेन से प्यार है, इश्क है, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब हमारा जो गाइड है और जो साथ में है वो लोग वहाँ वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ से निकले। बिना गाइड के यहाँ पर आना मुझे नहीं लगता ठीक है। ये ट्रैकिंग आसान नहीं है, सामने है गोमुख और पीछे है तपोवन जहाँ से हम आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने खतरनाक रास्ते हैं, आसान नहीं है, लेकिन जो ट्रैकर्स होते हैं उनको यही रास्ते चाहिए होते हैं। तो जो ट्रैकिंग पसंद करते हैं उनको तो बोलूँगा मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आ सकते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा, कई लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं क्योंकि रास्ते चढ़ने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, उतरना थोड़ा सा आसान है, लेकिन जो पाँव स्लिप होता है ना, मैं खुद 2 या 3 बार यहाँ पर गिरा हूँ। मतलब ये मिट्टी है, पाँव स्लिप हो जाता है, और ये पत्थरी पत्थर जो है ये भी एकदम सरक जाते हैं। तो एक मैम है, ये इनके हस्बैंड है, और पीछे आप देख रहे ट्रैकर भी आ रहे हैं। आसान नहीं है, मैं इतना बोलना चाहूँगा ताकि जो लोग यहाँ पर आए हैं तो पूरी तरीके से तैयारी कर कर आएँ। ये एक ऐसा ट्रैक जो मेरी लाइफ का कह सकता हूँ नेक्स्ट लेवल ट्रैक है, और जिया इस ट्रैक को मैंने। थका कोई बात नहीं, रात भर दर्द रहा बॉडी के अंदर, कोई बात नहीं। सामने है गोमुख, ये है एक्चुअल गोमुख जहाँ से गंगा जी निकलती हैं, और यही नदी भागीरथी नदी कहलाती है। तो मैं आपको वहाँ पास जाके दिखाऊंगा। सब लोग थक गए हैं, थोड़ी देर से रेस्ट ले रहे हैं। ये सारा ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर के ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूँ, ये देखो। ग्लेशियर है, तो इनके ऊपर ज़्यादा खड़ा होना ठीक नहीं है, चलते हैं। यहीं से माँ गंगा की शुरुआत होती है, गोमुख से। यहीं से पूरे हिंदुस्तान में माँ गंगा बहती है। गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। यह ग्लेशियर भारत के लिए भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ धार्मिक महत्व भी रखता है। हिमालय में जिस स्थान पर गंगोत्री ग्लेशियर समाप्त होता है उस जगह का आकार एक गाय के मुंह की तरह दिखाई देता है, और हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। इसी वजह से गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने को गोमुख के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गोमुख हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी
गंगा की सबसे प्रमुख जलधारा जिसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है उसका उद्गम स्थल भी है, जिस वजह से गोमुख की हिंदू धर्म में धार्मिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। दोस्तों एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इन ग्लेशियर्स के ऊपर चढ़ के लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग अपनी जान के साथ खेलते हैं। मेरे इस वीडियो बनाने का मेन टारगेट यही है कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ ये ग्लेशियर, चाहे कुछ भी कह लीजिए, माँ गंगा कह लीजिए, इनके ऊपर नंगे पैर चलो चढ़ना है तो, लेकिन ये ख़तरनाक हो सकता है। स्टंटबाजी के चक्कर में कई लोगों की यहाँ जान गई है, और ये जितना भी है सारा जो पहाड़ है ये ग्लेशियर के ऊपर है। ये देखिए सामने कोई पूजा कर रहा है, नहा रहा है, जबकि इतना ठंडा पानी है कि आप इसमें हाथ नहीं रख सकते। आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है और उधर भी एक पत्थर दिखाई दे रहा होगा, ये एकदम पॉइंट पे खड़े हुए हैं, और मेरे सामने अभी यहाँ पर ये जो पत्थर है दोनों कभी भी गिर सकते हैं। जो साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पर वो यही देखते रहते हैं कि ग्लेशियर हमारे कितने पीछे होते जा रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं। तो 2 किलोमीटर ये पीछे खिसक कर आ गया है, ये जो यहाँ के गाइड हैं यही बता रहे हैं। जंगलों से निकलते हुए मेरा ये लास्ट ब्लॉग उन सभी ट्रैकर्स को डेडिकेटेड है जो एक दिन में 26 से 30 किलोमीटर चलते हैं और वापस 26 से 30 किलोमीटर आते हैं, और अपने जो शरीर को तोड़ने वाली बात होती है उसको पूरा एंजॉय करते हैं। छाले तक पड़ गए हैं पाँव में। अगर यार ये नहीं होगा पता कैसे लगेगा कि ट्रैकिंग होती क्या है। तो दोस्तों गंगोत्री तपोवन की यह यात्रा मेरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।